हेलो नमस्ते, अभी 12 बज रहे हैं। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूँ और यह मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैंने सोचा कि ब्लॉग ही बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ अपने एंजॉय के लिए। अभी चलते हैं, यहाँ के कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, हमने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए, तो थोड़ी देर में निकलते हैं कुंभ मेले के लिए और देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं दारागंगा स्नान, जो जा रहे हैं हम कुंभ मेला की तरफ। और ये यहाँ पे जो भी गंदा पानी होता है उसको प्यूरीफाई करता है, फिर इसको गंगा जी में सप्लाई होता है। यहाँ बहुत अच्छा रनिंग करने के लिए प्लेस है और बैठने के लिए सुबह शाम आपका व्यू यही बहुत अच्छा लगता है। हम आ गए हैं बांध के दूसरी तरफ जहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पे देखिए खेती भी होती है थोड़ा बहुत। इसके बाद ये गंगा का कछार है, यहीं पे आगे मेला लगता है। और यहाँ पे देखिए पूरा बैठने के लिए व्यवस्था है, घाट बनाया गया हुआ है। यहाँ बैठने में बड़ा ही सुकून फील होता है। आप कभी भी शाम को आइए और यहाँ पे बैठ के फील करिए, आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। कभी भी आपको अकेला लगे, अकेलापन हो, तो यहाँ पे आके बैठिए ज़रूर एक बार। और बाढ़ टाइम में यहाँ पूरा पानी भर जाता है कुछ दिनों के लिए, इसके बाद फिर खाली हो जाता है। आप देखिए कितनी अच्छी हरियाली है और कितना अच्छा लग रहा है, दूर दूर तक पूरा खाली एकदम शांत एरिया है। यह है दारागंज नागवासुकी मंदिर रोड है, देखिए सामने नागवासुकी मंदिर है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ दर्शन करते हुए मेला में चलेंगे। आपको दिखाते हैं मेला की अभी कितनी तैयारियाँ हुई हैं, कितनी बाकी हैं, कुछ ही दिनों में मेला चालू हो जाएगा। हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर के पास, देखिए यहाँ की ये सीढ़ियाँ, ये मंदिर है। अंदर चलते हैं मंदिर की ओर, फिर बताते हैं अंदर क्या है। ये नागवासुकी मंदिर है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बहुत शांत माहौल है, अच्छा लगता है बैठने पर। देखिए पेड़ पौधे और ठंडक भी यहाँ पे। यहाँ से गंगा जी का नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर से जब बारिश का टाइम होता है। ये देखिए कुछ पंडित जी लोग हैं अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे खेती हुई है, कुछ लोग देखो यहाँ पे काम करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। जो खाली अभी जगह है यहाँ पे खेती होती है, सब्जियाँ वो दी जाती हैं इनके लिए, खाने के लिए हो जाता है, बाकी जो बचती है मार्केट में बेचने के लिए हो जाता है। यहाँ पे लोग शाम को बैठने आते हैं, मुंबई वाली फीलिंग लेते हैं जुहू बीच का। यहाँ पे रनिंग वनिंग सब कुछ कर सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मेला की तैयारी देखने को आपको मिलने लगेगी। यहाँ पे देखिए एक पीपा पुल छोटा सा बनाया गया है, आगे एक बड़ा सा बनाया गया, फिर एक रेलवे क्रॉसिंग है। फिर चलिए हम पास इसको दिखाते हैं कैसा लगता है। जय माँ गंगे, हम आ चुके हैं पीपा पुल पे और ये देखिए हर साल इसको बनाया जाता है, फिर इसके बाद मेला ख़त्म होने के बाद हटा दिया जाता है। माघ मेला इस बार है, इसके बाद 2024 में महाकुंभ होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा टेंट शहर होता है, एशिया में सबसे बड़ा यहाँ टेंट के द्वारा शहर बसाया जाता है। यहाँ पे हर साल करोड़ों लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। आगे संगम है, अभी हम गंगा जी के पास खड़े हैं। अभी पीपा पुल को पेंट करने का काम चल रहा है और जिनको ये ज़मीनें दी गई हैं वो अपना रहने के लिए काम करवा रहे हैं, अपने लिए छावनी बना रहे हैं अपने तरीके से। गंगा जी का घाट बन रहा है, तैयार हो रहा है। आगे देखिए भाई अपना बैरिकेडिंग को पेंट कर रहा है, आगे ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ही ऐसे ही टेंट बने होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए, रुकते हैं और अपना कल्पवास करते हैं। यहाँ एक महीने लोग रुक के कल्पवास करते हैं। ये देखिए छोटा सा टेंट का नज़ारा देखिए। और यहाँ ऐसी रोडे होती हैं, लोहे की रोडे बना दी जाती हैं, फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दिन पानी यहाँ डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो रेत है वो कम उड़े। इसके बाद सूखने के पहले ही एक छोटा सा चौराहा है जो झूसी जाने के लिए बना हुआ है, पीपा के माध्यम से भी आया जाता है। इसके बाद जब मेला ख़त्म हो जाता है तो फिर उखाड़ उखाड़ दिया जाता है। फिलहाल यहाँ काफ़ी हद तक काम को पूरा कर लिया गया है, कुछ अभी लाइटिंग और मतलब टेंटों का काम बाकी है तो उसको कर लिया जाएगा। इसको रात में देखने पे बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, लगता है कि तारों के शहर में आ गए। छोटे छोटे तारे दिखते हैं यहाँ, जो बल्ब लगे होते हैं एकदम तारों की तरह चमकते हैं। वो सामने पुल है, वहाँ सामने पुल पर जब कभी आप क्रॉस हो जाए। आगे संगम है, चलते हैं आगे संगम, बैठा जाएगा थोड़ी देर, इसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। लेकिन यहाँ का जो
नज़ारा होता है, और रात में देखने में एकदम जैसे चांद तारे नज़र आते हैं ऐसे नज़र आता है। यहाँ जो बल्ब होते हैं ऊपर से वो सामने पुल है, वहाँ से आप कभी रात में गुजरिएगा तो देखिएगा यहाँ एकदम तारों को जैसा नज़र आता है। तो दोस्तों आ गए हैं संगम हम लोग, ये है सामने और उसके उस तरफ पड़ता है अरैल घाट, इस तरफ संगम घाट। यहाँ पे ही सभी लोग आते हैं स्नान के लिए। ये देखिए सनसेट का क्या नज़ारा है, यहाँ पे कितना अच्छा सुनहरा पानी लग रहा है। ये देखिए ऐसे ही सारे जगह बनाए गए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाए गए हैं पीपा फूल को, और इसके बाद अभी कुछ काम बाकी हैं तो ये कुछ दिनों में पूरा ही कर लिया जाएगा। इसके बाद मेला जब चालू हो जाएगा, यहाँ काफ़ी दूर दूर से संत और शरणार्थी आते हैं स्थान के लिए और रहते हैं। यहाँ मेला के अंदर ही आपको थाना चौकी और रोड देखने को हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा, जैसे एक साइड में सुविधा उपलब्ध होती है, यहाँ भी सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं आपको, मेला मिल जाएगा टिकट कट सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। यहाँ आप सबके साथ कोई बदतमीजी या आपको बीमार पड़ते हैं तो आपको नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेला के अंदर की सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यहाँ पर आप पुलिस कर्मचारी आपके सामान लगे रहते हैं हर साल, ये आते हैं इसके बाद जब तक पता चलता है तब तक मेरे रहते हैं, फिर इसके बाद मेला के सामने आपको दिख रहा होगा कमर का किला है, जिसके बगल में बड़े हनुमान जी का मंदिर है जिसे लेटे हुए हनुमान जी को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ आगे शिव मंडपम मंदिर है, और यहाँ पे देखिए ये थाना बनाया गया है एक छोटा सा, ये देखिए माघ मेले के लिए, इसके बाद आगे पूरा थाना अधे। तो दोस्तों यहाँ करते हैं ब्लॉग का अंत और इसके बाद दिखाएंगे किसी और एपिसोड में। यह मेरा पहला ब्लॉग है, जानते इसमें बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन आप लोग जो कमियाँ होगी बताइएगा, इसके बाद उसको ज़रूर सुधार करेंगे आगे।